जो हम बॉलीवुड uh, मूवीज़ में पंजाबी सुनते हैं वो पंजाबी नहीं है सो आई थिंक इवन ऑन सेट दे सी एज एन एक्टर मैं मुझे आप कोई भी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट दे दो मैं उसे याद करके परफॉर्म कर दूंगी तो so, यार अमीक इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट पीपल आई नो इज वो लुक इट हिम लाइक वेन यू लुक इट हिम ही लुक सो डेंजरस बट ही सच अ शाई सॉफ्ट पर्सन ਸਸ਼ੀਕਾਲ ਦੀ ਫੋਰੇਵਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ तहे ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਟੀ ਜੈਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਸ਼ੀਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹਨ ਡੈਬਿਊ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ग्रेटफुल और बहुत ओवरवेलम फील कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक हम सब बहुत नर्वस थे क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो आपको पता नहीं लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा बट प्री टीज़र टीज़र पर रिस्पॉन्स इतना प्यारा आया कि हम सब का और हौसला बढ़ गया और हम सब और नर्वस के बजाय ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि सब जल्दी जल्दी हमारी फिल्म है और सब देखें और आई थिंक इससे बेटर डेव्यू में मांग नहीं सकती थी बिकॉज अगेन uh, जब आप कुछ नया करते हो रिस्क लेते हो तो ये आपका उसका रिवॉर्ड उतना ही बड़ा और अच्छा होता है सो या जे गए प्रोजेक्ट ने ज्यादातर हिंदी लैंग्वेज रहे किन्ना जो हम बॉलीवुड uh, मूवीज़ में पंजाबी सुनते हैं वो पंजाबी नहीं है सो so, <laughs> जब मैं यहाँ पे आई और मैंने मैं, म, ममा ने मुझे बोला था कि कोई बात नहीं भूल लेगी हो जाएगा एंड मैंने के मै रिम्बर कॉलिंग ममा पंजाबी इज नथिंग लाइक वी था और वी हर्ड तो बट सबका सपोर्ट बहुत रहा और सब मुझे मतलब आ, हर कोई अमी की जो टीम भी थी सारे फ्रेंड्स ऑल्सो वुड कीप टॉकिंग टू इन पंजाबी और क्लास मेरी क्लास लेते रहते थे आ, काम के साथ साथ hmm. और आई थिंक इवन ऑन सेट दे सपोर्टिव सी एज एन एक्टर मैं मुझे आप कोई भी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट दे दो मैं उसे याद करके परफॉर्म कर दूँगी टफ होगा लेकिन दैट्स माई जॉब बट इट वॉज डिफिकल्ट नॉट ईजी क्योंकि हम हमें कहावत है एज एन एक्टर आपको लाइन्स पानी की तरह याद होने चाहिए ताकि आप परफॉर्मेंस पे फोकस कर सको तो जब लैंग्वेज बैरियर आता है तो ऑब्वियसली हल्का सा वो डर रहता है कि यार कहीं लाइन याद करने के चक्कर में इमोशन कम ना हो जाए तो वो ऑब्वियसली बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल था बट आई आई होप आई पुल्ड इट ऑफ वेल ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਮਨ ਜੀ ਤੇ ਅਮੀਕ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਔਨ ਸੈਟ ਮਤਲਬ ਮਸ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਚਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹਰਮਨ ਐਸੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਬਟ ਔਨ ਸੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਥੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਕਸਡ ਪਰਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੀ ਹਾਂ बट ऐसे तो मस्ती मजाक बहुत होता रहा आई थिंक हम सब ने बिफोर वी वेंट ऑन फ्लोर शूट करने से पहले भी हमने बहुत वक्त बिताया था टीम ने साथ में तो दोस्ती तो हो ही गई थी सबकी तो बाय द टाइम हम सेट तक पहुँचे हम सब इतने घुल मिल गए थे कि टांग खिंचाई और वो सब तो चली ही है एंड दैट्स वाई प्रोसेस में और मज़ा भी आया है और इसीलिए अब ये बहुत इमोशनल भी है मेरे लिए मैं बहुत डेब्यू के साथ साथ हम सब एक फैमिली बन चुके हैं तो हम सब मिलकर अब इस मूवी को दुनिया के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं तो वैसे ही इट्स गुड फीलिंग तो यार अमीक ओ... Is one of the cutest people I know. He's uh, look at him like when you look at him, he looks mm -hmm. so dangerous, but he's such a shy, soft person, True. and I love that about him. So, and the fact that I got to work with my first project was is with somebody ah. who is creative, who's a lovely human being, and who's extremely hardworking, and I really admire that about him. एंड दैट्स आई थिंक दट्स वोड लर्न फ्राम हिम कि अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो चाहे आस पास के लोग ना करें आप बिलीव करो आप कन्विक्शन के साथ हर प्रॉब्लम हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके चलो एंडल्ट विल भी गुड एंड ही डिडर शिशी जीफीज़र पसंद में मुझे रोमांटिक कॉमेडीज यूजली इज़ माई कम्फर्ट अगर घर आके अनमाइंड करने के लिए देखना है तो मैं वो देखती हूँ अदरवाइज मुझे साइंस uh, फिक्शन बहुत पसंद है आई लव साई फाइव फिल्म मार्वल की तो मैं फर्स्ट डे फॉर शो एवरी थिंग तो कहना जेनियर बस ये कि हमने आ, बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से और बहुत पैशन से ये फिल्म बनाई है एंड आई रियली होप की लोगों को पसंद आए एंड आई रियली होप कि हमारी मेहनत उन्हें नज़र आए और आ, जो हम ये नया कुछ करने जा रहे हैं उसमें हमें उनका सपोर्ट मिले थैंक यू